कल पूरे देश में आगजनी हुई है, कल पूरे देश में पत्थरबाजी हुई है, और ये जो पत्थरबाजी हुई है आप याद करिए, पहले साल में एक दो बार होती थी, बाद में ये बढ़ी है, महीने में एक दो बार होने शुरू हो गई, और अब बढ़ते बढ़ते हर हफ्ते एक दो बार होने लग गई। पहले देश के कुछ राज्यों में होती थी, सामान्यतया कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, बंगाल में पत्थरबाजी होती थी, अब तो बिहार में भी पत्थरबाजी हो रही है, झारखंड में भी पत्थरबाजी हो रही है, राजस्थान में भी पत्थरबाजी हो रही है, गुजरात में पत्थरबाजी हो रही है, तो पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने पत्थरबाजी के मूल कारण पे कभी चर्चा ही नहीं किया। पत्थरबाजी होती है, फोटो खींचे जाते हैं, वीडियो शेयर किए जाते हैं, तू-तू मैं-मैं होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नुरा कुश्ती होती है, लेकिन कभी पत्थरबाजी को वास्तव में खत्म कैसे किया जाए, इसका परमानेंट क्या इलाज है, इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अगर चार बच्चे हैं, चारों बच्चों को आप ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जहां चारों का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, और एक स्कूल ऐसा भी है जहां दूसरे के बारे में नफरत सिखाई जाती हो, जब वो चारों बच्चे स्कूल से निकलेंगे, जहां चारों की किताबें अलग है, चारों का सिलेबस अलग है, चारों का पढ़ने का तरीका अलग है, चारों का पढ़ाने का तरीका अलग है, क्या आपस में वो एक प्रेम से भाई, एक साथ भाई जैसे रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे? हमने इस देश में लोकतंत्र के नाम पे, इस देश में पता नहीं किसके किस नाम पे कभी समान शिक्षा पे चर्चा ही नहीं किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी, जब तक एक देश एक शिक्षा लागू नहीं होगी, जब तक एक देश एक सिलेबस लागू नहीं होगा, भारत में शांति स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है, ये कभी नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारे पास, पता नहीं हम उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं हम एक 555 मॉडल लागू करते हैं। 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी होगा जो सबके लिए कंपलसरी होगा, सबका सिलेबस एक होगा, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस सबका एक होगा, और उसमें कोई गणित विज्ञान पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सर्वधर्म संभाव, प्रेम, अष्टांग योग, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, एयर, मतलब इसके बारे में हमें प्रकृति का संरक्षण, इसको इसको पढ़ाने की जरूरत है। ये 5 साल का हो गया, अगले 5 साल का सेकेंडरी, उस 5 साल के सेकेंडरी में आप 3 भाषाओं का अध्ययन कराइए, जैसे हमारा संविधान भी कहता है त्रिभाषा का सबको ज्ञान होना चाहिए, और 10 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट सेट कर दीजिए कि भाई अगले 5 साल में वो बच्चा गणित भी पढ़ेगा, विज्ञान भी पढ़ेगा, अर्थशास्त्र भी पढ़ेगा, एग्रीकल्चर भी पढ़ेगा, नागरिक शास्त्र भी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा। तो हो गया 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, अब उसके बाद आप 5 साल का ग्रेजुएशन कर दीजिए। उस 5 साल के ग्रेजुएशन में लोग अपने अपने जिस सब्जेक्ट से इसको करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, लॉ करना हो, MBA करना हो, क्लैट करना, जो भी करना है, और उस 5 साल में भी ऐसे कर सकते कि भाई जो 1 साल कंप्लीट करेगा उसको डिप्लोमा मिलेगा, जो 2 साल कंप्लीट करेगा उसको एक दूसरा डिप्लोमा मिलेगा, जो 3 साल का करेगा उसको अलग डिप्लोमा मिलेगा, इस तरीके से करके कि भाई मान लीजिए 5 साल पूरा कोई नहीं कर रहा है, जो शुरुआत में 1 ही साल कर रहा है, 2 साल कर रहा है, 3 साल कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलता रहेगा। जब इस देश में एक देश एक शिक्षा होगी तब जाके पत्थरबाजी रुकेगी। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके 4 बच्चे हो, चारों बेटों के लिए अलग अलग नियम कानून हो, 4 बहुएं हैं, चारों के लिए अलग अलग नियम कानून हो, क्या चारों बेटे एक साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, भाईचारा से रहेंगे? क्या चारों बहुएं एक साथ प्रेम से रहेंगी, भाईचारा से रहेंगी? नहीं। तो जब एक ही परिवार की 4 बहुएं अलग अलग नियम कानून के कारण प्रेम से नहीं रह सकती, एक ही मां के 4 बेटे अलग अलग नियम कानून के कारण के एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते, तो इस देश में अगर हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून चल रहेगा, तो प्रेम से कैसे रह लेंगे?
जैसे चार बच्चों का सिलेबस अलग 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 होगा तो चारों प्रेम से नहीं रहेंगे, चारों का नियम कानून अलग अलग होगा तो प्रेम से नहीं रहेंगे, वैसे ही जब चारों इस देश में हिंदू के लिए अलग स्कूल चलेगा, मुस्लिम का अलग स्कूल चलेगा, पारसी का अलग स्कूल चलेगा, ईसाई का अलग स्कूल चलेगा, चारों का सिलेबस अलग अलग होगा, सीबीएसई कुछ अलग पढ़ाएगा, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ाएगा, स्टेट बोर्ड कुछ अलग पढ़ाएगा, मदरसा कुछ अलग पढ़ाएगा, मिशनरी स्कूल कुछ अलग पढ़ाएगा, कभी नहीं प्रेम से रह सकते। तो इसमें समान शिक्षा के साथ साथ समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। और भय बिन होइ न प्रीत, ये रामायण में लिखा हुआ है, सठे साठ्यम समाचरित महाभारत में लिखा हुआ है। वैसे भी हिंदी भाषी गांव में हम कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, ये कहते हैं। तो जब सठे साठ्यम समाचरित हमारे बाकायदा सिद्धांत है, भय बिन होइ न प्रीत सिद्धांत है, तो हम इसके अनुसार कानून क्यों नहीं बनाते? आखिर ये पत्थरबाजी चाइना में क्यों नहीं होती? ये पत्थरबाजी कोरिया में क्यों नहीं होती? ये पत्थरबाजी जापान में क्यों नहीं होती? ये पत्थरबाजी सिंगापुर में क्यों नहीं होती? ये भारत में क्यों होती है? क्योंकि चाइना, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, कोरिया, इन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया है। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार आखिर हम कानून क्यों नहीं बना रहे? दुनिया के कई देशों में कोई भी अगर घटना होती है उसके एक घंटे के अंदर एफआईआर हो जाता है। दुनिया के कई देशों में अगर जो एफआईआर होता है उसके एक महीने के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देती। दुनिया के कई देशों में मात्र एक साल के अंदर कोर्ट का फैसला आ जाता है, यानी एक घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होता है, एक महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होती है और एक साल के अंदर फैसला आ जाता है। यह व्यवस्था हम भारत में क्यों नहीं कर रहे? वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सब कुछ बना रहे, वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे? वर्ल्ड क्लास पुलिस सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? वर्ल्ड क्लास इलेक्शन सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? वर्ल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका है हमें? अगर हम पुलिस रिफॉर्म कर दें, पुलिस चार्टर लागू कर दें, जुडिशियल रिफॉर्म करके जुडिशियल चार्टर लागू कर दें, इलेक्शन रिफॉर्म करके गुंडे बदमाशों को इलेक्शन में आने से रोक दें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दें, सिटीजन चार्टर लागू कर दें, तब ये अपराध अपने आप कम हो जाएगा। अभी तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं बाद में वो पार्षद बन रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो प्रधान बन रहे हैं, पत्थरबाजी करने वाले के झुंड में से कुछ एक विधायक भी बन जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे यहां तो प्रमोशन हो रहा है पत्थरबाजी का। हम चाइना जैसा जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे? 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 86,000 में से आधे से ज्यादा गरीबी बढ़ा रहे हैं, गरीबों के यहां पैदा हो रहे हैं। अगर गरीबों के यहां पैदा हो रहे हैं इसका मतलब गरीबी बढ़ रही है। हमारी आधी 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है। 2% जमीन है हमारे पास, मात्र 4% पानी है, दुनिया की 20% जनसंख्या हो चुकी है, इसके बावजूद भी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के चीन विश्व की महाशक्ति बन गया और हम आज भी नहीं जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, आज भी हम नहीं बना रहे जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हम घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? घुसपैठियों को 20 साल से 50 साल की सजा देने का कानून क्यों नहीं बना रहे? एक कानून बन जाएगी, घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और आजीवन कारावास दिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी किए बिना ही 80% घुसपैठिए भाग जाएंगे। जैसे ही जुडिशियल सिस्टम अच्छा होगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, घुसपैठिए भाग जाएंगे। हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करने में 1 साल लगता है, अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए तो 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि नेताओं की भी झूठ पकड़ी जाएगी, नेताओं का पाखंड पकड़ा जाएगा, नेताओं की भी जितने काले धंधे हैं पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा है। अगर पुलिस सिस्टम अच्छा होगा, जुडिशियल सिस्टम हो जाएगा, नेताओं को भी सजा मिलना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम पुलिस रिफॉर्म नहीं कर रहे। कठोर कानून बनेगा भ्रष्टाचार खिलाफ तो नेताओं को भी सजा होगी, इसलिए हम जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर रहे और भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बना रहे। केवल बातें करने से पत्थरबाजी नहीं रुकेगी,
केवल तू तू मैं करने से पत्थरबाजी नहीं रुकेगी, आरोप प्रत्यारोप करने से पत्थरबाजी नहीं रुकेगी, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। हम इनकी जो विदेशी फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से आ रही है, पश्चिम देशों से आ रही है, धर्मांतरण के लिए फंडिंग आ रही है, खालिस्तान के लिए फंडिंग आ रही है, मजहबी उन्माद के लिए फंडिंग आ रही है, जिहाद के लिए फंडिंग आ रही है, पत्थरबाजी के लिए फंडिंग आ रही है, ये फंडिंग रोकने के लिए हम कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम एक कानून क्यों नहीं बनाते कि जिसके पास भी अवैध फंडिंग आई, विदेशी फंडिंग आई, हम उसको आजीवन कारावास देंगे, फांसी देंगे? फिर देखिए कोई लेता है विदेशी फंडिंग, अवैध फंडिंग कोई लेता हो ना? कोई अवैध फंडिंग करेगा ना कोई अवैध फंडिंग लेगा। जो भारत के अंदर इतना काला धन जनरेट हो रहा है उन्हीं कामों में लग रहा है। हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका है हमें? हम भ्रष्ट, जिसके पास काला धन है, जिसके पास बेनामी संपत्ति है, जिसके पास आयरिस आयसरी संपत्ति है, उसको 100% जब्त करके भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून क्यों नहीं बना रहे? चाइना में तो अभी 3 महीने पहले वहां के कानून मंत्री को फांसी हुई। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार पे फांसी का कानून है, दुनिया के कई देशों में, कोरिया में है, जापान में है, सिंगापुर में है, चाइना में, और चाइना के एग्जाम्पल मैंने दिया, चाइना के कानून मंत्री को फांसी हुई है, उसके पास आय से अधिक संपत्ति थी और उसके पास बेनामी प्रॉपर्टी थी। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हमें? मजहबी उन्माद बढ़ता जा रहा है। भारत 75 साल पहले बंटा था, दूसरे विभाजन की कगार पे आके खड़ा हो गया है। पूर्वी बंगाल हमारे यहां से पहले निकल चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिम बंगाल की स्थिति आपने देख लिया कल, क्या है पश्चिम बंगाल में स्थिति। असम के 9 जिले जो है एकदम, 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बंगाल के 14 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बिहार के 6 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। झारखंड के 4 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। पूरे भारत में 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिलों से पलायन हो रहा है। भारत के 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। लेकिन पहले राजाओं के गुलाम थे, अब नेताओं के गुलाम हो गए। पहले राजाओं के गुलाम थे, अब पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हो गए। सच कहने से भी डरते हैं। इस बात की चिंता नहीं कि 20 साल 25 साल के बाद हमारे आने वाली जनरेशन के साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। अफगानिस्तान से भागे छोड़ छाड़ के सब कुछ, उससे सबक नहीं लिया। पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे, उससे सबक नहीं लिया। बांग्लादेश में सब कुछ छोड़ के भागे, उसके बाद भी सबक नहीं लिया। कश्मीर से सब कुछ छोड़ के भागे, फिर भी सबक नहीं लिया। अभी कुछ दिन पहले बंगाल से भी पलायन हुआ था, फिर भी सबक नहीं लिया। पलायन पे पलायन हो रहा है। हरियाणा के नूह से पलायन हो रहा है, मेवात से पलायन हो रहा है, राजस्थान में पलायन होता है, बिहार में पलायन होता है, बंगाल में पलायन होता है। हर साल त्योहारों पे पत्थरबाजी होती, फिर भी कोई सबक नहीं ले। भय बिन होइ न प्रीत, ये रामायण का वाक्य है। सठे साठ्यम समाचरेत, महाभारत का वाक्य है। नेताओं राजाओं सत्ताजीवी राजाओं की गुलामी करते करते पूरी दुनिया से गायब हो गए। सत्ताजीवी नेताओं की गुलामी करते करते भारत के 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी करते करते 200 जिलों से पलायन होना शुरू हो गया। और अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो याद रखना 25 साल के बाद कोई बचाने नहीं आएगा। ये अंबेडकरवाद, गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, वामपंथ, ये सारी जुमलेबाजी है। लक्ष्य है केवल दो, वोट और नोट। ये जितनी जुमलेबाजी होती है, गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अंबेडकरवाद, सब जुमला, सब ये केवल और केवल वोट और नोट के लिए होता है। ये केवल वोट और नोट के लिए होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी भी वक्त है। अपने अपने सांसदों विधायकों से मिलिए। आखिर टहलने घूमने टहलने जाते हैं, छुट्टी करते हैं ना। घर में शादी विवाह होता है, छुट्टी करते हैं ना। घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो छुट्टी करते हैं ना। यहां देश की तबीयत खराब हो चुकी है, एक दो दिन की छुट्टी करिए। 10-10, 20-20 आदमी का अपना ग्रुप बनाइए, सांसद से जाके मिलिए, विधायक से जाके मिलिए कि भारत में समान शिक्षा लागू क्यों नहीं हो रही है, भारत में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू हो रही है, भारत में घुसपैठियों को फांसी देने का कानून क्यों नहीं बन रहा,
भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है, भारत में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। ये समस्याएं सारी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इसलिए इसका समाधान संसद में होना चाहिए। राज्यों के स्तर पर कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं बनेगा पार्लियामेंट में कानून नहीं बनेगा। इसलिए अपनी अपनी टोली बनाइए, 10 आदमी की, 15 आदमी की, 20 आदमी की टोली बनाइए और एक बार जाके सांसद को पकड़िए। नहीं सांसद से मिल सकते हैं, सांसद को ईमेल करिए, एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, ट्विटर पे टैग करिए, जो करना है करिए। वो भी नहीं कर सकते तो अपना वीडियो बना के सांसद के नाम शेयर करिए अपने सोशल मीडिया में, अपने फेसबुक पे अपना वीडियो शेयर करिए कि समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनना चाहिए, काला धन बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने के लिए कानून बनना चाहिए, विदेशी फंडिंग नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, एक घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, एक साल के अंदर लोगों को सजा होनी चाहिए। अपना वीडियो शेयर करिए, और वो भी नहीं कर सकते तो जो मैं ये बात कह रहा हूं, हमारा वीडियो शेयर करिए, इस हमारे वीडियो को अपने अपने सांसद को भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, ट्विटर पे टैग करके भेजिए, कुछ तो करिए, बैठने से बात नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत।